Right now is Mr. Satyapal Malik, governor of Meghalaya, a leader who's constantly been with the farmers on this issue. On the issue of the farmers' protest, he has been extremely vocal that the government needed to change its strategy. Thank you so much, Mr. Malik, for speaking to us this evening. Um, there is a big debate going on right now about why the government finally decided to do it a year later to scrap these laws. इसका कोई एनालिसिस नहीं करूंगा मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि अंत भला सो भला एक अच्छा स्टेप लिया है प्रधानमंत्री ने मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों की तकलीफ को समझा है और ये डिसीजन ले लिया है सत्यपाल मलिक जी ये बहुत लोग कह रहे हैं कि ये पूरे एक साल से हम ये बात सुन रहे हैं कि ये तो पूरा देश नहीं था सारे देश के फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे बस कुछ फार्मर्स पंजाब के शायद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ये पूरा देश पर नहीं था आप क्या कहेंगे इस बारे में ये ये बिल्कुल मिस मिस वो है लोगों की ओपिनियन मैं तो मेघालय से आता हूँ जिस दिन दिल्ली में ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने बंद की कॉल दी थी जब मैं मेघालय लौटा तो मुझे वहाँ बताया कि वहाँ भी लोगों ने बंद किया था किसानों ने सारे देश का किसान इसके वो धरने पे आए ना आए लेकिन वो सब इस संघर्ष के साथ थे आज एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा सत्यपाल मलिक जी क्योंकि जो किसान है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके जो इनकम की प्रॉब्लम है एमएसपी की प्रॉब्लम है बिक्री नहीं होती सही प्राइस नहीं मिलता की प्रॉब्लम स्टिल रिमेन सो वॉट नेक्स्ट फ्रॉम ऑनि वो रिजोल्व होंगे देखिए धीरे धीरे सब रिजोल्व हो जाता है एक शुरुआत हुई है मैं प्रधानमंत्री जी से अभी भी प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से वो किसानों के साथ डायलॉग शुरू करा बातचीत होंगी तो सब चीजें हल हो जाएंगी क्योंकि काफी चीजें हैं जो रियलिटी है वो जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेरिट्स ऑफ द लॉज लेकिन इवन एज वी स्पीक मिस्टर सत्यपाल मलिक देयर इज अ फर्टिलाइजर शॉर्टेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू केरला रिपोर्ट्स आर आर इमर्जिंग ऑफ हाउ फार्मर्स स्ट्रगलिंग टू गेट बेसिक फर्टिलाइजर एंड खाद एंड नोबडी इज इवन लुकिंग एट इट वो जिनको देखना चाहिए देखना चाहिए वो वाकई सीरियस प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर की एक स्टेट में नहीं है तीन चार स्टेट में है वो मध्य प्रदेश में भी है जी आ, काफी स्टेट्स में है मध्य प्रदेश में भी ये प्रॉब्लम हो रही है ये आपने सही कहा मैं वापस इस बड़े इशू पे आना चाहती हूँ क्योंकि आज जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया ये काफी लोगों को सरप्राइजिंग लगा सडनली ये उन्होंने डिसीजन ले लिया बहुत लोग गुस्सा भी हैं कि सरकार ने गिव इन कर दिया कुछ लोग आए धरना कर, धरने पे बैठ गए और सरकार ने अपनी पॉलिसी वापस ले ली तो क्या लगता है आपको ये पोलिटिकल मूव है और चेंज ऑफ हार्ट नहीं मैं, 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 मैं उस, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन देर आए दुरुस्त आए प्रधानमंत्री जी ने अल्टीमेटली ये फैसला किया ये स्वागत योग्य है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और किसानों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना लंबा संघर्ष हिस्टोरिकली इतना लंबा कभी संघर्ष नहीं हुआ है और पीसफुल जिसमें कोई चिड़िया पे भी कंकड़ नहीं फेंकी गई ये आप कह रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूँ बहुत बहुत लोगों ने पिछले एक साल में कहा है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट तो रही ही नहीं लखीमपुर का वायलेंस देख ले या एक साल पहले जनवरी में जो रेड फोर्ट पे हुआ उसको देख ले नहीं ये गलत कह रहे हैं जो रिपब्लिक डे वाला है वो उसमें जहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहां तो फहराया नहीं किसी ने वो एक अलग डंडा था उस उसपे कुछ लड़कों ने झंडा टांग दिया और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ के लाल किले पे गुरु तेग बहादुर की गर्दन लाल किले के बाहर काटी गई थी उसके बच्चों को यह अधिकार नहीं है कि वो लाल किले पे चढ़ जाएं वो उन्हीं के बच्चे थे सत्यपाल मलिक जब वो ऐसे लॉज को विड्रॉ कर लेते हैं लोगों के प्रोटेस्ट के बाद नहीं बिल्कुल नहीं होता सरकार को कभी प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनाना चाहिए सरकार तो मालिक है उसको तो दे शुड बी गिवर्स उनको देना चाहिए किसानों को कि तुम्हारी तकलीफ है चलो हम ये कर रहे हैं पिछले एक साल में बहुत सारी जो नॉइज़ हुई जो कॉन्वर्जेशन हुए वो पॉलिटिकल बन गए जो मेरिट्स ऑफ द लॉ है किसान को क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं है उसके बारे में बातचीत थोड़ी पीछे रह गई आप क्यों कहते हैं किसानों के साथ हैं इस इशू में आपको क्या लगता है कि इन लॉ से क्या उन पर इम्पैक्ट होता इन लॉज से तो नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं जो ये लॉज हैं ये खेती को किसान को और उसकी जमीन को बंधक बना देंगे और किसान को एक कन्विक्शन हो गया है कि हमारी जमीन हथियाने के कानून है इज इट अस्ट डेफिसिट प्रॉब्लम कि किसान भरोसा नहीं करता सरकार पे नहीं कोई भी कानून आपको लाना था अगर ये कानून भी लाने थे तो किसानों से डिस्कशन करके बातचीत करके शॉर्ट आउट करके तब लाना चाहिए था इसकी सीख यही होगी कि आपको लगता है कि सरकार को अब एमएसपी पे जल्द से जल्द किसानों से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए इमीडिएटली सरकार को इमीडिएटली किसानों को बुलाना चाहिए उनसे बातचीत करनी चाहिए और जो भी मसले और पेंडिंग हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए थैंक यू सो मच मिसेस सत्यम मलिक थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इट्स बीन अ वेरी वेरी हेक्टिक एंड बिजी डे बट थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट Well, with that, we're going to take a short break. Lots more on the other side in the 9 p.m. edition of the Urban Debate. Stay with me.